गाइस यार, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं सामने रोड पे गाड़ी बैक कर रहा था और मैं बार बार ब्रेक दबा रहा था और ब्रेक दबाने की वजह से हमारा एयर प्रेशर जो था वो कम हो गया। तो जब ये वीडियो बना करके मैंने अपलोड करी तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि भाई, अगर एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो उसे ठीक कैसे करते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप अपना एयर प्रेशर कैसे ठीक करें, क्या करना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है या गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है या कुछ और करना पड़ता है जिससे हमारा प्रेशर जो है ठीक हो जाता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेशर बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रेशर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी गाड़ी की चाबी को यहाँ लगाना है और इस बटन को दबा करके गाड़ी को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके छोड़ देना है करीब 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रेशर की सुई जो है वो 4 नंबर पर है। अगर मान लीजिए आपकी प्रेशर की सुई जो है वो 0 नंबर पर है और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर ये मीटर डाउन होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन हमारा प्रेशर अभी जो है 4 नंबर पे है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेशर बनाना है अपनी गाड़ी में तो आप गाड़ी को स्टार्ट करके और छोड़ दीजिए। गाड़ी जो है प्रेशर अपने आप बनाती है, कि आपको गाड़ी के अंदर कुछ नहीं करना है। और इसका प्रेशर जो है, जिसे आप देख रहे हैं कि 4 नंबर पर प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है वो स्टॉक कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हम प्रेशर को स्टॉक कर लेते हैं और इसकी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखिए, ये है प्रेशर टैंक और इसी के अंदर हवा को गाड़ी का जो कंप्रेशर है वो स्टॉक कर देता है। और जब हवा का कंप्रेशर पूरा हो जाता है, मतलब प्रेशर पूरा हो जाता है, तो कंप्रेशर जो है अपने आप ऑटो कट बंद हो जाता है और इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल गाड़ी को स्टार्ट करना है। और तो बस यही करना पड़ता है और कुछ नहीं है। अगर आपको लगे कि कुछ और करना पड़े प्रेशर बनाने के लिए, जैसे कि आप, मैंने आपको उस दिन, मुझसे लोगों ने ये भी पूछा था कि भाई, अगर प्रेशर रास्ते में हम जा रहे हैं और प्रेशर कम हो गया तो हम क्या करेंगे, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है। जैसे इस रोड पर हम यहाँ पर गाड़ी बैक कर रहे थे, इस पुलिया के ऊपर से, ये छोटी सी पुलिया जो आपको दिख रही है, इस पुलिया के ऊपर से गाड़ी को बैक करके लगा रहे थे तो हमारा प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी वो स्टार्ट थी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होगी तभी तो हम इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। और जब गाड़ी हमारी स्टार्ट है तो हमारा प्रेशर जो है वो रेगुलर, मान लीजिए अगर कम भी हो रहा है तो वो अपने आप ऊपर बढ़ता भी रहेगा। वो आपको कुछ नहीं उसमें करना है, अपने आप प्रेशर बनता रहेगा, आप गाड़ी को चलाते रहिए और प्रेशर बनता रहेगा। लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल जो है भीड़ भाड़े वाले इलाके में थोड़ा कम करिए, ताकि एकदम से प्रेशर डाउन ना हो और आराम से आपकी गाड़ी जो है चलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं इस ट्रक के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपका जो सवाल होगा उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।